अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 35 इंटरफेरेंस प्रॉब्लम, 45 रिफ्लेक्शन बाय थिन लेयर्स के प्रॉब्लम में फिक दे दी गई है 35.42, जिसमें लाइट इंसिडेंट का लिया परपेंडिकुलर है मटेरियल टू पे। अब मटेरियल टू सैंडविच है बिटवीन मटेरियल वन और मटेरियल थ्री। अब यहाँ से इसकी अपर सर्फिस से भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, लोअर सर्फिस से भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, या वो कंस्ट्रक्टिव बनाएंगी या वो डिस्ट्रक्टिव बनाएंगी। वो कहता है डाटा आपको टेबल में दिया जा रहा है, तीनों मटेरियल के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रहे हैं और वो कंस्ट्रक्टिव कर रही हैं। वो कहता है थर्ड लीस्ट थिकनेस पे ये कंस्ट्रक्टिव हमने काउंट करनी है, वेवलेंथ 612 नैनोमीटर की है। अब हमारे जो गिवन डाटा है उसमें देखा जाए एन टू बड़ा है एन वन से, एन टू बड़ा है एन थ्री से, यानी वो मीडियम जिसमें से हम गुजर रहे हैं उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो अब हम जानते हैं कि जब लाइट किसी डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में से गुजरती है तो उस मीडियम में अगर वो रिफ्लेक्ट करने वाला जो मीडियम है अगर उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और उस मीडियम की निस्बत से जिसमें से वो गुजर रही है तब उसमें चेंज आता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आएगा। अब कंस्ट्रक्टिव है तो हम जानते हैं जिसमें से वो गुजर रही है वो तो ज्यादा ही है। तो अब आपके पास इसका मतलब ये है कि आपके पास सामने वाला मीडियम उसका छोटा है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, तो हम कहेंगे इसमें कोई फेज चेंज नहीं आएगी, कंस्ट्रक्टिव का टूल लगा देंगे। तो एल की वैल्यू आपको चाहिए सेकंड थर्ड लीस्ट थिकनेस के लिए, एम की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो एम की वैल्यू 2 रखेंगे, वेवलेंथ भी पता है एन भी पता है, तो 478 नैनोमीटर की आपके पास थिकनेस आएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।